नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सर्विसेज डे के मौके पर देशभर के सिविल सेवकों को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 सालों में अगर देश में गरीब से गरीब को भी सुशासन का विश्वास अगर उसमें बढ़ा है तो इसमें बड़ी भूमिका सिविल सेवकों की है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की आजादी के अमृतकाल के इस सफर में अगले 25 साल बेहद अहम है, देश के लिए भी और साथ ही साथ सिविल सेवकों के लिए भी, क्योंकि इस कालखंड ने उन्हें ये मौका दिया है कि आने वाले समय में 2047 में विकसित भारत का जो संकल्प भारत ने लिया है उस संकल्प को पूरा करने में सिविल सेवकों की बड़ी भूमिका होगी। देश याद रखेगा उन्हें कि इस सफर में उन्होंने किस तरह के बड़े बदलाव देश में किए हैं, और इन्हीं बदलावों पर और आज के प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ ही साथ वो क्या रोडमैप दिया उन्होंने सिविल सेवकों को आने वाले समय के लिए, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ विशेष मेहमान भी मौजूद हैं। मेहमानों में मौजूद है पुरस्कृत जिला अधिकारी भी, साथ ही साथ वो अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा करेंगे। हमारे बीच मौजूद है सचिव प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग भारत सरकार वी श्रीनिवास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ है मुख्य सचिव जम्मू और कश्मीर अरुण कुमार मेहता जी। आपको जम्मू कश्मीर में मिशन यूथ को सफल बनाने के लिए इनोवेटिव इनिशिएटिव के लिए पुरस्कृत किया गया है। हमारे साथ रवि पटन शेट्टी हैं जिलाधिकारी अनाकापल्ली आंध्र प्रदेश से, हेल्थ और वेलनेस सेंटर के लिए पुरस्कृत किया गया है। आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं रविंद्र कुमार जी जिलाधिकारी रामपुर उत्तर प्रदेश से हैं। आप वोकल फॉर लोकल के जरिए जन भागीदारी को बढ़ाया है जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। कुपोषण से मुक्ति और किसानों की आय दुगना करने की दिशा में इन्होंने काफी काम किया है। अनुभवों को भी जानेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे क्या चुनौतियां अभी भी एक तरह से जमीन पर दिखाई देती हैं जिनका समाधान सिविल सेवकों को भी ढूंढने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालेंगे प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में किन बातों को देश के सामने और साथ ही साथ सिविल सेवकों के लिए एक मंत्र दिया। सिविल सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के सिविल सेवकों से संवाद किया। पीएम मोदी ने सिविल सेवकों से कहा कि कर्तव्य हमारे लिए विकल्प नहीं संकल्प है। देशवासियों की बढ़ती हुई आकांक्षाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए जुट जाने का आग्रह किया। पीएम ने कहा कि पहले ये सोच थी कि सरकार सब कुछ करेगी, लेकिन अब सोच है कि सरकार सबके लिए करेगी। कि सरकार का ध्येय है नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। आज की सरकार की प्राथमिकता है वंचितों को वरीयता। आज की सरकार देश के सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव न मानकर उन्हें फर्स्ट विलेज मानते हुए काम कर रही है। वाइब्रेंट विलेज योजना चला रही है। ये बीते वर्षों में हमारी सरकार की बहुत बड़ी पहचान रही है। प्रधानमंत्री ने सिविल सेवकों के सामने बीते 9 वर्षों में हुई भारत की विकास यात्रा की तस्वीर भी रखी। बात चाहे फिर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की हो या फिनटेक वर्ल्ड और स्टार्टअप की दुनिया में भारत के लहराते ध्वज, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हुए रिकॉर्ड कामों की जिक्र हो या फिर गांवों की बदलती तस्वीर की। ऐसे में पीएम ने ये भी कहा कि योजनाएं कितनी भी बेहतर हों, कागज पर कितना ही शानदार रोड मैप क्यों ना हो, लेकिन अगर लास्ट माइल डिलीवरी ठीक नहीं होगी तो अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। पहले के सिस्टम की ही देन थी कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी गैस कनेक्शन थे। ये पहले की सिस्टम की ही देन थी कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड थे। ये पहले की सिस्टम की ही देन थी कि देश में 1 करोड़ काल्पनिक महिलाओं और बच्चों को सहायता जा रही थी। अब सोचिए, जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ, ऐसे लाखों करोड़ों फर्जी नामों की आड़ में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम भ्रष्टाचार में जुटा था। आप सभी के प्रयासों से ये सिस्टम बदला है।
देश के करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर के एक्सपर्ट, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ये कह रही हैं कि भारत का समय आ गया है। ऐसी स्थिति में भारत की ब्यूरोक्रेसी को एक पल भी गंवाना नहीं है। पीएम ने सिविल सेवकों से कहा कि देश ने आप पर बहुत भरोसा किया है, उस भरोसे को कायम रखने का काम करिए। एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अब आपको अपने हर निर्णय में कुछ सवालों का अवश्य ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है, ये आप लोगों को देखना ही होगा। दोस्तों, वो राजनीतिक दल अपने दल के विस्तार में सरकारी धन का उपयोग कर रहा है या फिर देश के विकास में उस पैसों का इस्तेमाल कर रहा है, वो राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बनाने के लिए सरकारी धन लुटा रहा है या फिर सभी का जीवन आसान बनाने के लिए काम कर रहा है, वो राजनीतिक दल सरकारी पैसे से अपना प्रचार कर रहा है या फिर ईमानदारी से लोगों को जागरूक कर रहा है। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान किए। इस बार पुरस्कार के लिए 15 जिलों या विभागों का चयन किया गया था। कार्यक्रम में शामिल केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बीते 9 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में गवर्नेंस के क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी सुधारों को देश के सामने रखा। ईज ऑफ गवर्नेंस का अर्थ है ईज ऑफ लिविंग। तो बहुत से ऐसे नियम जो आम नागरिक के जीवन में दुविधा पैदा कर रहे थे या वक्त गुजरने के साथ अपना औचित्य खो बैठे थे, उनको समाप्त कर दिया गया। प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, जवाबदेही बढ़ाने के लिए आपने ई गवर्नेंस को बल दिया। उसका परिणाम ये कि आज 80% से अधिक भारत सरकार में कामकाज ऑनलाइन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने सिविल सेवकों से गवर्नेंस के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर करने के साथ ही जन भागीदारी से देश की विकास यात्रा को तेज करने का आह्वान किया, तो अमृतकाल के हर पल का राष्ट्र सेवा में इस्तेमाल करने का आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हमने देखा अमृतकाल के सफर के लिए प्रधानमंत्री ने कई बड़े सुझाव भी सुझाए हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले श्रीनिवास जी आप ही से कि अगर आज आप प्रधानमंत्री के संबोधन को देखते हैं, उन्होंने कहा कि 16वां सिविल सेवक दिवस बेहद महत्वपूर्ण है भारत के लिए आने वाले विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए, तो वो क्या टेकअवेज आप देखते हैं आज प्रधानमंत्री के संबोधन से? आज माननीय प्रधानमंत्री जी को विज्ञान भवन के प्लीनरी हॉल से करीब 2000 सिविल सर्वेंट्स फिजिकली सुने और कई हजारों सिविल सर्वेंट्स थ्रू वेबकास्ट और वेब लिंक्स इस आयोजन में भाग लिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको नया संकल्प लेने को कहा ताकि भारत एक विकसित भारत बने और सिविल सर्वेंट्स देश हित, नेशन फर्स्ट और सिटीजन फर्स्ट अप्रोच के ध्यान में रखते हुए कार्य करें। साथ ही साथ उन्होंने गुड गवर्नेंस मॉडल, जो प्रधानमंत्री जी का गुड गवर्नेंस मॉडल है, ये पीपल सेंटर्ड गवर्नेंस मॉडल होना चाहिए और डेवलपमेंट मॉडल होना चाहिए, इसका उन्होंने विस्तृत विवेचन किया। तो बहुत ही प्रेरणादायक वक्तव्य था माननीय प्रधानमंत्री जी का और इससे हजारों सिविल सर्वेंट्स को नया ऊर्जा मिली। जी अरुण मेहता जी आपको भी पुरस्कृत किया गया है आज, और कैसे आपको लगता है कि मिशन यूथ को जम्मू कश्मीर में सफल बनाना, मतलब कई बड़ी चुनौतियां रही होंगी क्योंकि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में किस तरह से युवाओं की उस ऊर्जा को चैनलाइज करना, साथ ही साथ उन्हें मुख्य धारा के साथ जोड़ना, क्या वो चुनौतियां थी? किस तरह से आपने अपने नवाचार, जो आपके तमाम आइडिया रहे, उसके साथ आपने इसे सफल बनाया? 2019 में जब हिस्टोरिकल चेंजेस हुए तो उसके बाद एक हमारे पास चैलेंज था कि हम जम्मू कश्मीर के युवाओं को, यूथ को किस तरह से मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं और उनकी जो भी जरूरतें हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। तो मिशन यूथ की शुरुआत की गई और मिशन यूथ के तहत वो हर फैसिलिटी, वो हर सपोर्ट जो यूथ को चाहिए उसके लिए प्रावधान किया गया।
आपको जानकर खुशी होगी कि वहां पे 4290 पंचायतों में सभी में एक यूथ क्लब की शुरुआत की गई। इसी तरह से युवाओं को अगर कोचिंग चाहिए, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई धनराशि चाहिए या महिलाओं को कोई सपोर्ट चाहिए, तो 15 अलग अलग कार्यक्रम शुरू करे गए। और अब मुझे बताते हुए खुशी होती है कि आज किसी न किसी रूप से 5 लाख युवा इससे जुड़े हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, सिर्फ एक का एग्जांपल लूंगा मैं, मुमकिन के तहत कमर्शियल लाइट कमर्शियल व्हीकल मिलती है, उसके तहत उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता इनिशियली, बाद में वो कमाएंगे और पैसा वापस करेंगे बैंक को, लेकिन ऑन रोड उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन सब में कुछ ना कुछ मार्जिन मनी चाहिए होता है। मिशन यूथ के तहत उनको कुछ भी देने की इनिशियली आवश्यकता नहीं थी, जब वो काम शुरू करेंगे तो अपना आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से महिलाओं के लिए हौसला आया, यशस्वी आया, और इस तरह के अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट किया गया, टूरिज्म को सपोर्ट किया गया, और जैसा मैंने बताया कि अगर किसी को स्किलिंग की जरूरत है, किसी को कोचिंग की जरूरत है, उसकी भी व्यवस्था की गई ताकि वो आईएएस का एग्जाम दे सके, नीट का एग्जाम देना चाहते हैं तो वो दे सके। तो वो हर तरह से सभी यूथ को, चाहे वो महिला हो चाहे वो जो वहाँ के मेल्स हैं, तो उन सभी को सपोर्ट प्रोवाइड किया गया ताकि मुख्य धारा से जुड़े। और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि आज वहाँ पे माहौल बहुत हद तक बदल रहा है। आज रात के जरूर जानना चाहेंगे कि ये योजनाएं और तमाम सरकारों की योजनाएं जम्मू कश्मीर के लिए पहले भी होती थी, क्या ये नतीजे पहले दिखाई देते थे, या ये जो नतीजे आज दिखाई दे रहे हैं उसमें किस तरह से आपने उस सोच में एक परिवर्तन लाने में सफल हुए हैं? इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है कि जो वहां जो भी इस प्रोग्राम के तहत मिशन यूथ के तहत होता है वो सारा डिजिटल है, तो किसी के पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप अप्लाई करें, सब कुछ डिजिटल है। और जो एक रेट टेपिज्म की आदत हुआ करती थी पहले, वो खत्म हुआ है। और जैसा मैंने बताया कि इसके तहत ऑलरेडी पहले 21-22 के में लगभग 60,000 से ऊपर युवाओं को कुछ न कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिला, अब वो नंबर 80,000 से ऊपर हो गया है। तो जब लोग मिशन यूथ से जुड़े, जब यूथ क्लब में जब वो आए, तो हर जगह में इस तरह से बदला कि हर जगह खेलने की व्यवस्था की गई, हर पंचायत में खेलने की व्यवस्था की गई। तो खेलने की चाहे व्यवस्था हो, चाहे पढ़ने की व्यवस्था हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था हो, वो हर सपोर्ट उनको प्रोवाइड किया गया। और इस तरह से उनके उनका जो अप्रोच था, उनका जो विजन था, उसमें उनको जरूर मदद मिली है। इसी तरह से जैसे कोई डिसेबल यूथ है उसको भी मदद किया गया उसके तहत, तो अलग अलग कंपोनेंट में, इवन जो नशे में कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो उसके लिए भी उसके में एक कंपोनेंट रखा गया है। तो हर आयाम को, हर बिंदु को देखते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम डेवलप किया गया। और मुझे खुशी है कि ये प्रोग्राम अच्छा चल रहा है और इसका आगे भी चल करके बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहेगा। अच्छा, रविंद्र पटेल शेट्टी भी हमारे साथ हैं और आप आंध्र प्रदेश के एक जिले से हैं, किस तरह से आपने जो परिवर्तन किया है, और स्वास्थ्य का ऐसा क्षेत्र रहा है देश में जिस पर बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से हम काफी तेजी से इस क्षेत्र में आज की तारीख में काम कर रहे हैं, अगर डेटाबेस की भी बात करें तो भी, किस तरह के बड़े परिवर्तन आंध्र प्रदेश के इलाकों में आपने किए हैं इस क्षेत्र में? आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कीम द्वारा हमारे सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले हम इलनेस के बारे में सोचते थे, वी वॉन्टेड टू बी डिजीज फ्री, तो अब हम वेलनेस के बारे में सोचते हैं, इसलिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, पहले हमारा अप्रोच बहुत ही सिलेक्टिव होता था, पर अब हमारा अप्रोच बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। हम प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और साथ ही साथ डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट्स के बारे में भी सोचते हैं। अब हम बस पेशेंट को ट्रीट ही नहीं करते, ट्रीटमेंट के बाद फॉलोअप भी करते हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश और अनकापली जिले की बात करेंगे तो हमारा हर MBBS डॉक्टर हर ग्राम पंचायत को महीने में 2 बार जाता है, और इस कारण हर एक हाउस होल्ड, हर एक विलेज के साथ एक उसका एक नाता जुड़ जाता है। देन द फॉलोअप इज ऑल्सो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, सो कॉम्प्रिहेंसिव होने के कारण लोगों में काफ़ी विश्वास बढ़ चुका है डॉक्टर्स के बारे में। और आपने बोला जैसे टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द इंटरवेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन दिस, तो अभी हमारे पास इतना अच्छा डेटाबेस है तो हमें पता है किस प्रांतों में किस जगहों पे किस बीमारी का ज़्यादा प्रेजेंस है और उसे कैसे किस स्पेशलिस्ट को उस एरिया में भेजना चाहिए। तो किस तरह से ANM सेंटर्स को अपग्रेड किया है आपने, यानी कि अगर हम ये जानना चाहें कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स लोगों के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, ताकि
अलग अलग इलाकों में, ये तो आप आंध्र प्रदेश के एक जिले की बात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं देश के तमाम इलाकों में लोग इस बात की भी डिमांड करें, वो चाहें कि उनके पास भी हेल्थ और वेलनेस सेंटर जो है वो इस तरह का हो ताकि उनको तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स स्कीम में एक बहुत ही अच्छा अभी एक इनिशिएटिव है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बेसिकली अगर आप हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे तो अवेयरनेस और एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी आर द बिगेस्ट चैलेंजेस। सो एक्सेस एंड मतलब बहुत दूर जाना पड़ता है गांव वालों को और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफी बढ़ जाता है। तो एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स अगर अपने ग्रामीण जगहों पर हो जाए तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो अनकापली जिले में हेल्थ बिकॉज A&M सेंटर्स वर अपग्रेडेड सो एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी इंक्रीज्ड, तो इस कारण आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफी घट गया कम हो। सेम थिंग कैन बी रेप्लिकेटेड अक्रॉस ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री। एंड और एक अच्छी चीज है कि अभी हमारे डॉक्टर्स डोंट सिट इन PHCs, दे गो टू द विलेजेस ट्वाइस इन अ मंथ, सो वी हैव टू डॉक्टर्स फॉर एवरी PHCs। सो दैट उससे क्या होता है कि हर एक डॉक्टर हर एक विलेज को महीने में दो बार जाता है, तो देर इज अ वेरी गुड फॉलोअप of all the treatment that is given and also we also come to know what is the health profile of that village. So उसे monitoring बहुत अच्छा हो जाता है and लोगों में confidence भी काफी बढ़ता है। So this is something which can be replicated across the country और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमें बहुत ही अच्छा एक inspirational direction दिया है कि हम जो भी हमारा काम करेंगे we should think about the nation first. So like एक बहुत अच्छा whatever decision we take, how do we ensure that the citizen is benefited and not only we were thinking till now, हम बस aspirational block, aspirational district के बारे में सोचते थे but अब हम aspirational village के बारे में भी सोचेंगे। तो हर एक village को how do we ensure that हर एक village हमारा स्वस्थ हो, हर एक block हमारा स्वस्थ हो और हमारा जिला कैसे स्वस्थ हो, so in turn we will contribute to स्वस्थ भारत। So that is something which is we are going to carry from today's interaction with honorable prime minister। जी हाँ बिल्कुल, रवि जी ने जैसे कहा है कि आकांक्षी जिलों का जो अभियान है उसको आगे ले जाते हुए आकांक्षी गांव तक के अभियान में अब लोगों को जुटने की जरूरत है। हमारे साथ रविंद्र जी भी हैं। रविंद्र जी, आप उन चंद सिविल सेवकों में से रहे जिलों को आज पुरस्कृत तो किया ही गया है लेकिन आप लोगों ने आज प्रधानमंत्री से बातचीत भी की है, तो पहले तो वो अनुभव कैसा रहा आपका आज आपकी जब इंटरेक्शन हुआ PM से इस सेरेमनी में? देखिए, हर सिविल सेवक का सपना होता है कि जो हमारे राष्ट्र के सर्वोच्च पद पे विद्यमान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनसे कभी रूबरू होने का अवसर मिले, तो आज बहुत गौरव का क्षण हमारे लिए रहा है और मुझे लगता है कि मेरे जितने साथी अधिकारी भी मेरे साथ थे हम सब ने वो अनुभूति ली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निर्देशन हर स्तर पे सभी सिविल सेवकों को मिलता है और सिविल सेवा दिवस वो दिन है जब सिविल सेवक आगामी वर्षों में कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं और जो राष्ट्रप्रथम की एक धारणा के साथ में अंत्योदय का जो प्रण हम लोग लेते हैं तो उसको साकार रूप प्रदान करना होता है। तो बड़ा अच्छा एक इंटरेक्शन था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से सभी सिविल सेवकों से बात की, उनके अनुभवों को जाना और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उनके जो फील्ड के अनुभव थे उन्हें भी हमारे साथ शेयर किया, तो एक बहुत ही सुखद हमारे लिए वो अनुभव था। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस क्षेत्र के लिए आज आपको पुरस्कृत किया है, किसानों की आय दुगनी करने और कुपोषण के खात्मे की तरफ किस तरह के आपने नए प्रयोग अपने कार्यक्षेत्र में किए हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार ने दो फ्लैगशिप स्कीम्स को चलाया है, PM पोषण अभियान और फार्मर्स डबल इनकम, किसानों की आय को दुगना करना। तो जनपद रामपुर में हमने भी प्रोजेक्ट संवर्धन इस दिशा में लॉन्च किया है जिसका प्रमुख उद्देश्य कुपोषित बच्चे, किशोरी बालिकाएं, गर्भवती महिलाएं और धात्री माताओं में कुपोषण को हमारे जो किसान भाई है उनके द्वारा एक जो FPO निर्मित किया जाता है और FPO के माध्यम से लोकल प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर एक पोषण किट तैयार कराई गई है जिसे एडिशनल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के रूप में इन सभी लाभार्थियों को दिया जा रहा है। इससे हमारे जनपद में कुपोषण में 59% की पिछले दो वर्षों में कमी हुई है, MMR में 28% की कमी हुई है, IMR में भी लगभग 8% की कमी हुई है। एक और जो दूसरा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है वो किसानों की आय का बढ़ना है। लगभग 17% किसानों की आय हमारी इसमें दोगुनी हुई है और 50% से ऊपर किसानों की आय 60-70% तक इसमें बढ़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 3 वर्ष पूर्व वोकल फॉर लोकल का कोरोना के दौरान एक सिद्धांत दिया था तो उसको भी हम लोगों ने इसमें समाहित किया है। ये पूरा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इसी थीम पर आधारित है, लोकल प्रोडक्शन, लोकल प्रोसेसिंग और लोकल कंजम्पशन, और इसके माध्यम से जो हमारे गरीब और वंचित परिवार हैं जिनके बच्चे
कुपोषण के कारण अकाल मृत्यु का शिकार हो जाते थे, उन सभी गरीब परिवारों को ग्राम पंचायतों के माध्यम से, कन्वर्जेंस के माध्यम से हम लोग ये पोषण किट प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसमें मिलेट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स को भी हमने शामिल किया है। और जैसा कि ये इस वर्ष की थीम है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर यूएन द्वारा डिक्लेयर किया गया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर, तो उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि धरातल पर साकार रूप से उतारें। अरुण जी, योजनाएं तो पहले भी थी और सिविल सेवक देश भर में मौजूद हैं, फिर आखिर क्या वजह है कि जो नतीजे आज सामने दिखाई दे रहे हैं? इनोवेशन है, डिजिटल एक तरह से जो पूरा एक ढांचा है उसका एक इस्तेमाल है, पारदर्शिता पे सबसे ज्यादा जोर है, क्या आपको लगता है इस तरह की बिंदुओं पर पहले चर्चा नहीं होती थी, या ये सारे एक तरह से कहें साजो सामान या हथियार जो एक सिविल सेवकों के लिए हैं, उनके पूरे उस अपने पूरे उस आउटपुट को और दुगना करने के लिए ये हथियार उनके पास नहीं मौजूद थे? मेरी समझ से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा नेशन फर्स्ट, वो सबसे बड़ा एक बदलाव है। और जब उन्होंने कहा कि जब भी हम फैसले लेते हैं तो हमें देश के प्रति पहले सोचना चाहिए, जो डिजिटल माध्यम से जो पारदर्शिता आई है, डिजिटल इंडिया या हमारे केस में डिजिटल J&K, आज वहां पर सब कुछ ऑनलाइन है। जब डिजिटल चीजें होती है तो पारदर्शिता होती है और उत्तरदायित्व होता है, बिकॉज आप कुछ भी करें वो इमीडिएटली पता लग जाता है कि कौन क्या कर रहा है, तो उससे अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ जाती है। आपका मानना है कि सिस्टम को और ज्यादा मजबूत किया गया पिछले 9 सालों में? जब से टेक्नोलॉजी का इतना बृहद प्रयोग हुआ है तब से टेक्नोलॉजी ने बहुत परिवर्तन लाया है। और मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में आज 450 से ज्यादा सुविधाएं डिजिटल माध्यम से दी जाती हैं। तो आज के दिन में अगर अधिकारी समय पे सेवाएं नहीं देगा तो उसको पेनल्टी हो सकती है। तो आज हमारी जो ऑन टाइम डिलीवरी है जो 3 जवाबदेही भी बढ़ी है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ी है। और जो हमारे केस में हम लोगों ने कुछ को ऑटो एस्केलेशन मोड में रखा है, उसमें 99% से ज्यादा सर्विसेज टाइम से दी जाती हैं। और मैंने कई पंचायतों से इंटरेक्ट किया है डायरेक्टली, और मेरा मानना यह है कि जिस तरह का माहौल, जिस तरह का ट्रांसपेरेंसी और उत्तरदायित्व अभी आ रहा है, मुझे लगता है कि बहुत बड़े बदलाव की तरफ देश बढ़ चुका है। और विकसित भारत का जो सपना है जी, वो हमें लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग उसको हासिल करेंगे। रवि जी, प्रधानमंत्री ने मिशन कर्मयोगी का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि एक बड़ी ऊर्जा आज भी रिपीटेटिव यानी कि प्रमाण पत्र NOC इसमें लेने की सरकारी अधिकारियों की और महकमों की एक पूरी ऊर्जा जा रही है, क्या आपको लगता है इसमें एक बड़े बदलाव की जरूरत है? अभी भी उस रफ्तार में थोड़ी कमी आ रही है? जी, प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि हमें बहुत ही रिपीटेटिव काम बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के पास आज भी बहुत सारा डेटा अवेलेबल है बट ये डेटा इंटीग्रेट नहीं हुआ है, तो सेम चीज़ बहुत सारे डिपार्टमेंट फिर से मांगते हैं। तो आज हमें प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा चैलेंज दिया है, हाउ टू इंटीग्रेट दिस डेटाबेसिस एंड 2047 तक अगर हमारा देश विकसित भारत एंड डेवलप द बेस्ट इन द वर्ल्ड होना चाहिए तो वी हैव टू इंटीग्रेट द डेटाबेसिस एज फास्ट एज पॉसिबल, रिपीटेटिव वर्क को कम करना चाहिए, वी हैव टू एंश्योर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, तो अगर ये बढ़ाना है तो हमें रिपीटेटिव वर्क कम करना चाहिए। एंड वी विल डेफिनेटली वर्क टूवर्ड्स द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स डायरेक्शन एंड एंश्योर दैट रिपीटेटिव डेटाबेसिस आर रिड्यूस्ड। एक उदाहरण के तौर पर अगर बोला जाए तो जैसे इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही छोटे NOC की जरूरत होती है, लेकिन NOC अगर आप देखोगे तो 4-5 डिपार्टमेंट के पास जाके फिर कलेक्ट्रेट को फाइल आ जाती है, लेकिन अगर वही काम ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा तो काफ़ी टाइम बचेगा और कलेक्ट्रेट का भी काफ़ी समय जो ऐसे रिपीटेटिव कामों में वो कम हो जाएगा। और हमारा काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे जिनको ज़्यादा ज़रूरत है कलेक्ट्रेट के समय की या डिपार्टमेंट्स की, उस एरिया में हमारा फोकस ज़्यादा बढ़ेगा। तो रिपीटेटिव वर्क हैज़ टू बी रिड्यूस्ड एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ गिवन अ कॉल फॉर ऑल द यंग सिविल सर्वेंट्स टू एंश्योर दैट कमिंग डेज लो वी हैव टू इंक्रीज वी हैव टू डिक्रीज द रिपीटेटिव वर्क एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। श्रीनिवास जी, जब प्रधानमंत्री ने ये कहा आज की विकसित भारत का मतलब आधुनिक निर्माण या इंफ्रास्ट्रक्चर का बनना सिर्फ नहीं है बल्कि सिस्टम को एक बड़े बदलाव के साथ और मजबूत करना और नया बनाना, यानी कि जब दुनिया ये कहती है कि ये भारत का वक्त है तो भारत को भी ये समझना होगा कि ये भारत का वक्त है और उस रफ्तार से भागना होगा, तो आपको क्या लगता है कि बड़े बदलावों की कहां-कहां जरूरत आपको लगती है?
मुझे जो सबसे प्रेरणादायक बात जो लगी वो है कि जीवंत रहना चाहिए, गवर्नेंस सिस्टम्स जीवंत रहना चाहिए, जहाँ पर सिटीजन के साथ इंटरेक्शन रखिएगा, निरंतर कांटेक्ट रखें। और रूल बाउंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने कहा है कि कहीं आप एनफोर्समेंट में इन रूल्स कहीं डर नहीं रखें, आप जीवंत सिस्टम्स रखें, लाइव सिस्टम्स, फंक्शनल सिस्टम्स, एक्टिव सिस्टम्स। तो ये करने में बहुत आनंद आता है एंड दिस इज द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो विकसित भारत की ओर जो स्टेप हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक तरफ हो रहा है, एक तरफ सिस्टम्स, मंडेन सिस्टम्स, रूटीन सिस्टम्स, इनको जीवंत करने की आवश्यकता है। और तब उनका व्यू है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा। गवर्नेंस मॉडल्स शुड बी पॉजिटिव, गवर्नेंस मॉडल्स शुड बी लाइव एंड गवर्नेंस मॉडल्स शुड बी पीपल सेंटर्ड। ये तीन वाक्य उन्होंने कही है। रविंद्र जी, प्रधानमंत्री ने आज ये भी कहा कि सिविल सेवकों पे ये जिम्मेदारी है कि टैक्स पेयर्स का पैसा राजनीतिक दल कहीं अपने स्वार्थ के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस एक तरह से इस पूरे उनके जो संदर्भ था, इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप युवा सिविल सेवक हैं, आने वाले 2047 तक आप लोगों की भूमिका अहम होगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरह का दबाव नहीं, कोई खर्चा है या फिर कोई स्कीम है उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है या आपको इसका निर्णय लेना है। क्या आपको लगता है कि ज्यादा बड़ा बोझ और बड़ी जिम्मेदारी आज प्रधानमंत्री ने सिविल सेवकों को दी है, खासकर अब यूथ सिविल सेवकों को जिनका सफर 2047 तक है? निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ब्यूरोक्रेसी की तारीफ करते हुए कहा कि जिस प्रकार से पिछले सालों में ब्यूरोक्रेसी ने काम किया है और नागरिकों की सेवा की है, तो आने वाला आज़ादी का जो अमृत वर्ष है, अमृतकाल हमारा शुरू हुआ है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का हम स्वप्न देख रहे हैं, तो युवा सिविल सेवक जिनकी सेवा 15 साल, 20 साल, 25 साल आगे है, तो उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है और इस स्वप्न को उन्हें जीवंत रूप प्रदान करना है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण था और राष्ट्र के प्रधान सेवक अगर ये कॉल देते हैं सभी सिविल सेवकों को कि हमें उस स्वप्न को पूरा करना है, तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के लिए उन्होंने जो कहा, उनका कहने का संदर्भ यह था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पर्सन अगर हमारे पास आता है और अनावश्यक दबाव किसी भी चीज़ के लिए बनाता है, तो उस दबाव में नहीं आना है। एक स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन और स्वच्छ एवं पारदर्शी शासन देने का काम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और जो लगातार वो कर रहे हैं, उसको हमें निचले स्तर तक, तृणमूल स्तर तक हम लोग लेकर जाएं सभी सिविल सेवक, और नागरिकों की सेवा के लिए और नागरिकों की सेवा में किसी प्रकार की बाधा कोई ये सब चीज़ें ना बने, तो उस पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है ताकि हम लोग विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण कर पाएं। अरुण जी, आपका एक लंबा सफर सिविल सर्विसेज में रहा है, नौकरशाही को लेकर जो आम विचारधारा, आम सोच जो थी वो ये थी कि नौकरशाही और जनता के बीच में दूरी है, हालांकि सरकार और जनता के बीच का सेतु जो है वो नौकरशाही ही है, वही आप तक सारी योजनाएं पहुंचाता है। तो आपको क्या लगता है वो दूरी, पिछले 9 साल की हम बात करें, क्या उसमें कम हुई है? क्योंकि कारण कई सारे हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा कारण है उस दूरी को कम करने के लिए। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं या उस दूरी को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, आपके अपने अनुभव क्या कहते हैं? मैं एक उदाहरण के माध्यम से इसका उत्तर दूंगा। नौकरशाही के बीच में और जनता के बीच में दूरी कम करने के लिए हर एक राज्य में कोई ना कोई इनिशिएटिव ली जा रही है। मैं जम्मू कश्मीर के माध्यम से बताना चाहूंगा कि वहां पे एक कार्यक्रम चलता है जिसका नाम है एस्पिरेशनल पंचायत और बैक टू विलेज। इसमें सभी ऑफिसर्स को एक पंचायत को अडॉप्ट करने को कहा गया है और वह हर महीने में एक बार या तो वर्चुअली या तो फिजिकली जुड़ते हैं। उसके जुड़ने के बाद से जो दूरियां थी वो काफ़ी कम हुई हैं और मुझे कोई हिचक नहीं कहने में कि आज हर पंचायत में जब मैं इंटरेक्ट करता हूं तो उनको उनसे यही फीडबैक मिलती है मुझे। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर में 19-20 में 9000 काम पूरे हुए थे, आज 92,000 काम पूरे हुए हैं, इट्स मोर देन 10 टाइम्स। क्या बदलाव आया है? बदलाव यही आया है कि जो दूरियां थी वो कम हुई हैं और उत्तरदायित्व तो बढ़ा है। और जब एक ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर हर महीने एक बार जाता है वर्चुअली या फिजिकली, तो पहली बार तो वो जाके कुछ बोल के वापस आ सकता है, लेकिन दूसरी बार किस तरह जाएगा, तीसरी बार कैसे जाएगा? तो जब इस तरह के जब जुड़ाव होते हैं तो मुझे लगता है कि दुनिया कम होती है और जनता की जो आवाज़ है ऊपर तक पहुंचती है और वो दुनिया कम होती है। मुझे यकीन है कि सभी राज्यों में, सभी यूटीज में इस तरह का कोई ना कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
जनता का जागरूक होना भी उसमें एक बहुत बड़ा अहम एक तरह से रोल अदा करता है कि जहां जनता जागरूक है कि नौकरशाही भी उनके लिए है, कि उनकी तमाम उन आकांक्षाओं को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी भी नौकरशाही पर ही है। श्रीनिवास जी अंत करेंगे, लेकिन अंत में ये जरूर जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में वो तमाम बातें भी बताई एक बार देश को कि किस तरह से 3 लाख करोड़ के उस नुकसान को रोका गया है पारदर्शिता के साथ, डिजिटली एक तरह से तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन के वजह से। क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों जो गलतियां हुई हैं, जो सिस्टम की जो गलतियां थी, उन्हें दुरुस्त करने में एक लंबा समय लगा है, और आने वाले समय में जब हम अब से 20 साल के बाद की बात करेंगे तो हम अपने सिस्टम को ये कह पाएंगे कि आज ये सिस्टम सीधे डिलीवरी पे काम करता है और साथ ही साथ पारदर्शी भी है, यानी कि जवाबदेही तो है ही, लेकिन आप एक तरह से जिनकी गलतियां हैं उनको सजा भी होगी। बिल्कुल, ये बातें उन्होंने कही हैं, और ये भी कहा है कि जो सिस्टमिक स्ट्रीमलाइनिंग है, काफ़ी डीप रूटेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन 9 वर्षों में किए गए हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर हैं, जिसके वजह से कई सिस्टमिक क्लीनअप्स, जो डाटा गैप्स थे, ये सब क्लीनअप हो गए हैं। राशन कार्ड्स में फर्जी राशन कार्ड्स रहते थे, क्लीनअप हुआ है आधार बेस्ड लिंकिंग के वजह से। सिमिलरली जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी के वजह से नरेगा अकाउंट्स में सीधा धन डिपॉजिट होता है, वेज डिपॉजिट होते हैं। तो सिस्टमिक स्ट्रीमलाइनिंग और सिस्टमिक क्लीनअप जो हुआ है बिकॉज ऑफ डीप रूटेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इसके बारे में बहुत उन्होंने एम्फेसिस किया है, और ये कहा कि अगले 20 सालों में ऐसे और डीप रूटेड रिफॉर्म्स लाएं ताकि गवर्नेंस सिस्टम्स ट्रांसपेरेंट रहें, पारदर्शी रहें, फंक्शनल रहें और जीवंत रहें। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अगले कुछ समय में इन वाक्यों का प्रभाव देखने को मिलेगा और भारत विकसित भारत की ओर अग्रसर होते हुए देखा जाएगा। जी हाँ, जनता का सुशासन की ओर और ज्यादा विश्वास बढ़ेगा, विकसित भारत के इस लक्ष्य को आगे लेके जाने का दारोमदार, कंधों पे भार सिविल सेवकों के सबसे ज्यादा है, ये भी आज प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कई ऐसे मंत्र भी दिए और कई ऐसे संकेत भी दिए जिसको लेकर सचेत और सतर्क रहने की भी सिविल सेवकों को जरूरत है आने वाले समय में। आप चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से उन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए, जिन क्षेत्रों में आप लोगों के प्रयासों ने जनता के एक तरह से उस जीवन को और ज्यादा सरल, आसान और सुविधाजनक बनाया है, साथ ही साथ उन चुनौतियों को बताने के लिए भी, क्योंकि जनता आपकी तरफ भी नजरें लगा के देख रही है, नौकरशाही ही उनके जीवन को और ज्यादा आने वाले समय में सरल बनाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।